फिर से हुई दरगाह कब्रिस्तान परिसर में खूनी वारदात। मोहसिन ने आरिफ से ठेला हटाने के लिए कहा तो आरिफ ने चाकू भोंका। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 22 जून को शाम में 6 बजे के करीब दरगाह कब्रिस्तान परिसर में, यानी कब्रिस्तान से सटा हुआ जो रोड है शिवाजी नगर तरफ जाता है, वहां पर कब्रिस्तान की दीवार को लगकर कई ठेले लग रहे हैं। पिछले तकरीबन एक साल से ज्यादा अरसे से यहाँ पर लॉकडाउन के कारण होकरों की संख्या बढ़ गई है, कई वाहन भी यहाँ पर पार्क किए जाते हैं और दूसरी तरफ जो है ये ठेले और खोमचे लगाए जाते हैं। ऐसे में ही ठेला हटाने के विवाद पर मोहसिन शेख पर आरिफ शेख ने खूनी हमला कर दिया। पूरी वारदात को लेकर क्या कहा मोहसिन शेख और उसके बचाव में आए स्थानीय लोगों ने, वो हम आपको बता रहे हैं, और किस तरह से मोहसिन पर हमला हुआ था वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे से बातचीत करने तक मोहसिन पुलिस स्टेशन में ही इलाज करने के बाद लौटा था और उसकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। भाई क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहसिन याकूब शेख है। मोहसिन भाई, ये जो आपके साथ विवाद हुआ, जो आपके ऊपर वार किया गया, ये किस जगह पे किया गया, क्यों किया गया और किस वजह से ये विवाद? भाई एक्चुअली मैं मैयत में आया होता कब्रिस्तान में, वहाँ पर जनाजे नमाज हो रही थी तो मैं वहाँ से निकला, नमाज कब्रिस्तान में सब मैयत घुसी तो इधर सब गाड़ी लगी थी धंधे की, तो मैंने उनको बोला मतलब भाई ये धंधा जो तुम्हारा एक साइड कर लो, मैयत को प्रॉब्लम हो रही है, सब गाड़ी और जाम हो रही है, तो मैंने बोला कि एक साइड कर लो। तो सामने वाली गाड़ी तो मेरा एक काम करो भाई, कहा बोले भाई मतलब एक काम तुम सामने सेट हो जाओ, मैं सब सरकार का थोड़ा थोड़ा आपकी गाड़ी वहाँ सेट हो जाएगी, मतलब यहाँ मत लगाओ उस साइड लगाओ, नहीं तो क्या मैयत को भी तकलीफ, गाड़ी भी तकलीफ, सब जाम हो जा रहा है, मैं तो गाड़ी जाम हो गया था। तो मैं बात कर रहा था उससे, तो एक ही कहा वो आरिफ, आरिफ नाम है उसका, आरिफ शेख खुद नाम है आरिफ शेख, इसने जो आपके ऊपर जो मेरे पर वार किया, इसने पहले आया मेरे को बात किया, बोले क्या हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब क्या गलत क्या बोल रहा हूँ, तो इसने कुछ ना मेरे गर्दन पे घुमाया, ऐसा आंग पे घुमाया, तो मैं ऐसा हो गया फटते, मैं वो समझ नहीं क्या घुमाया इसने। तो उस मेरे दोस्त लोग थे वहाँ पर, जब जम्मू था वहाँ पर, और मैंने फटते निसार भी आ गया था उधर, तो वो गिर गया तो उसका सामान कुछ गिरा, कुछ नौकरी कुछ सामान था, मैं ध्यान नहीं देता क्या था। तो उसके जब उसने उसको पकड़ा, उसको उठा ना, वो उठा तो अपने वो दुकान के ना किसके वो चाकू फटते में कैसा मारा पेट पे, मैंने फटते ऐसा हाथ डाल दिया, मैंने हाथ डाला तो मेरे को इधर अंदर। तो कितने टाके आए आप? एक्चुअली कुछ 3-4 टाके आए हुए हैं। अच्छा, डीप जो है चाकू, डीप कितना? 4 पेपर पे 4.5 इंच डीप लिखा हुआ है। हाँ वो तो ऑपरेशन, वो तो बोल रहे थे ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो मैंने अभी कर दो, मैंने कल आके चेक करो, इन्फेक्शन हुआ तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी आप चौकी में हैं तो आपकी तकरार ली गई है? चौकी में मैं आया हूँ, जो साहब की बदली हुई है, अभी तक एफ आई आर मेरी हुई नहीं है, अभी एफ आई आर बोले मोशन 5 मिनट को, मैं एफ आई आर ले रहा हूँ, मैं अभी जब मेडिकल करके अभी आया हूँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्माइल अशफाक शेख। इस्माइल भाई, ये जो विवाद हो रहा था उसमें आप लोग बीच बचाव कर रहे थे, तो उसमें आपके कुछ आपको भी मार आई है? किधर आई है? ये कान के कुछ है, मैं जब गया वहाँ पे, ये आपको कैसा लगा? मोहसिन भाई को उसके बाप ने जब ऐसा मारा तो उसका हाथ पे लग गया था मोहसिन भाई के, तो हाँ। उसके मैं बचाने के लिए गया तो उसके लड़के ने पीछे तो इतना जोर से बम्बू चला गया, इधर लग गया, उसके बेटे के हाथ में भी चाकू थी, उसके बेटे ने उसके बाप के हाथ में दिया, तो उसके बाप के हाथ में 2-2 चाकू। क्या नाम है उसके बेटे? उसके बेटे का नाम नहीं मालूम है, मैं तो इधर का मैयत में आया था, उधर मैं भी गया तो देखा। अच्छा, छुड़ाने में उसके बेटे ने आपको मार दिया बाबू सर। भाई क्या नाम है आप? जमील मिर्ज़ा। जमील भाई, ये जो पूरा वहाँ पर जो तकरार हुई है और जो चाकू से वार किया गया, आप उस जगह मौजूद थे, क्यों यह हादसा हुआ और कैसा था पूरा? मैं वहाँ पे बस मेरा काम चल रहा था, तो मैं कब्रिस्तान के पास ही था, मौजूद था, मैं देखा कि मोहसिन को मार रहा है आरिफ शेख, तो मैं भाग के गया, देखा तो उसके हाथ में चाकू लगी हुई है, ये पूरा खून से लथपथ था, चाकू ऑलरेडी चाकू मार दिया था इसको,
तो फिर हम लोग, मैं क्या चाकू मार गया, दूसरी चाकू उसके हाथ में थी, दूसरी चाकू उसने निकाल लिया था, मारने जा रहा था इसको पेट में वापस, तो उसको मैं चाकू मैंने पकड़ लिया। फिर मैंने चाकू वो किधर से बार बार निकाल रहा, हाथ गाड़ी धंधे लगे हुए ना सब, वड़े पाव की दुकान है, कांदे बटाटे की, कब्रिस्तान के गेट के पास लाइन है बस, वड़े पाव की दुकान थी, तो उसने वो वहाँ से चाकू निकाला, तो दूसरी चाकू भी इसको मारने जा, तो हम लोग ने पकड़ लिए। फिर मेरा दूसरा दोस्त बब्बू को भी मैंने बुलाया, फिर वो इस्माइल करके एक लड़का था वो भी आया, फिर हम लोग ने उसको पकड़ लिया मोहसिन को, फिर उससे छुड़ा, फिर इसको हॉस्पिटल भेज दिया। जमीन भाई आपको छुड़ाने में कुछ आपके हाथ पे भी हुआ? हाँ, मेरे हाथ में भी चाकू लग गया, उसकी चाकू हम लोग ने पकड़े दे, तो चाकू छोड़ नहीं था, उसकी चाकू भी हम लोग के हाथ में लग गया।